Hi guys, good morning. So this is my fourth day of quarantine and I thought कि क्यों ना मैं ये दिखाऊँ आप लोगों के कि पूरा क्वारंटीन का दिन हम लोग कैसे स्पेंड करते हैं. एक्चुअली जो स्टार्टिंग के हम लोगों के 3 days थे तो उसमें हम लोगों को थोड़ा रेस्ट करने को मिल गया. बट फ्रॉम टुडे वी हैव सम ट्रेनिंग सेशंस ऑनलाइन, तो इसीलिए थोड़ा जल्दी उठ गई हूँ मैं. इट्स अराउंड 7:30 इन द मॉर्निंग है एंड मैंने अपना फेस वॉश वगैरह ब्रश वगैरह कर लिया. थायराइड की मेडिकेशंस लेनी थी वो मैंने ले ली है, तो इसीलिए मेरे ब्रेकफास्ट में अभी टाइम है लाइक हाफ एन आवर और अराउंड 45 मिनट्स. तो मैंने सोचा कि मैं नहा भी लेती हूँ अभी, सो दैट जब तक मेरा ब्रेकफास्ट का टाइम होगा आई विल गेट रेडी. सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में ब्रेक. और आज बाहर बहुत ही सुंदर मौसम हो रखा है. इट्स काइंड ऑफ अ रेनी डे, बट यहाँ तो वैसे भी बारिश का कुछ पता नहीं लगता कि कब आ जाती है, कब धूप आ जाती है. तो वी कैन नॉट सी एनी थिंग, बट इट्स रियली अ ब्यूटीफुल डे. यू कैन सी द व्यू फ्रॉम माई विंडो. अभी बस थोड़ा सा स्किन केयर करके और मैं ब्रेकफास्ट के लिए जाऊंगी, तो मैं आपको वहीं मिलती हूँ. सो ब्रेकफास्ट मेरा हो चुका है एंड एक्चुअली क्लास स्टार्ट हो गई थी तो इसीलिए मुझे थोड़ा जल्दी जल्दी करना पड़ा सब कुछ. एंड नाउ आई एम और अभी एक्चुअली हम लोगों को बता दिया, इट्स अ फर्स्ट डे ऑफ दिस ट्रेनिंग, तो इसीलिए हम लोगों को बता दिया है कि हमें क्या क्या करना है. एंड टिल 4 o'clock वी हैव टाइम टू डू इट. एंड आफ्टर लंच भी एक मीटिंग है, तो अभी मैं वो कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद मिलते हैं हम लोगों से. बाय बाय. तो इस तरीके से कुछ कुछ शीट्स मिली हुई हैं हम लोगों को और कुछ कुछ वीडियोस हैं, तो वो हमें सब देखना है और रीड आउट करना है. तो मैं ये सब देख लेती हूँ, मैं काम कंप्लीट करके देन फिर आप लोगों से मिलती हूँ. हाय गाइस, सो इट्स इवनिंग एंड इट्स 5:30 हियर और इंडिया में ऑलमोस्ट आई नो कि 10 बज बज चुके हैं वहाँ पे. यार अभी चाय वाय पी के और अभी घर पे ही बात की है बस, और उसके बाद अभी जस्ट मैं फ्री हुई हूँ तो मैंने सोचा कि अभी थोड़ा शूट कर लूँ. एक्चुअली दिन में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाया शूट करने का क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हैक्टिक था, क्योंकि फर्स्ट डे था ऑनलाइन लाइक सेशंस का, तो काफ़ी हैक्टिक था. इतने सारे असाइनमेंट्स थे जो कंप्लीट करने थे, सबमिट करने थे आज की आज में. अभी भी एक्चुअली थोड़ा सा काम बाकी है जो अभी मैं बैठ के फिनिश करने वाली हूँ बिफोर द डिनर. और अभी थोड़ी ठंड भी हो गई है तो इसीलिए मैंने जैकेट भी वेयर कर लिया है. और दिन में तो यहाँ पे आफ्टरनून में तो फिर भी थोड़ा धूप आ गई थी, बट अभी फिर से काफ़ी ठंड हो गई है. बाहर काफ़ी ज़्यादा ठंड है, रूम के अंदर फिर भी मुझे इतना फील नहीं हो रहा है, बट स्टिल एक्चुअली मेरे रूम का हीटर काम नहीं कर रहा है ना, तो इसीलिए मुझे थोड़ी थोड़ी ठंड लग रही है, तो इसीलिए मैंने ये जैकेट वेयर कर ली यहाँ पे. और कंप्लेंट मैंने आज डाल दिया है, लेट्स सी, आई होप कि कल तक कोई आके इसको ठीक कर जाएगा. एनीवेज मैं आपको मिलती हूँ डिनर टाइम पे. हाय गाइस, सो अभी हम लोग हो चुका है डिनर का टाइम और हम लोग यहाँ पे डिनर कर रहे हैं प्रिपेयर, और मैं दिखा देती हूँ आपको हमने क्या. तो यहाँ पे हमारे चावल बॉयल हो रहे हैं, ये हमारे सुबह का राइस बचा हुआ था तो हमने वो गर्म कर लिया सोच के कि भाई क्यों फेंकना है, यूज़ कर लेते हैं. और ये हमारे यहाँ पे दाल रेडी हो चुकी है, टेस्ट इसका पता नहीं कैसा होगा क्योंकि हमारे पास कुकर है नहीं, तो हम उससे ऐसे ही काम चला रहे हैं बस. और ये हमारा पूरा इंडक्शन एरिया है और यहाँ पे हम लोगों को ये हॉस्पिटल की तरफ से हमें सामान मिला है थोड़ा ग्रॉसरी का. ये अनियंस हैं, कुछ टमाटर और कैरेट्स के कुछ पैकेट्स हैं,
शुगर है, टी बैग्स वगैरह हैं, देन फिर यहाँ पे हम लोगों के स्पाइसेस हैं, ऑयल वगैरह, बटर वगैरह, वो क्लीनिंग का पूरा सामान है वहाँ पे, ब्रेड, कॉर्नफ्लेक्स वगैरह यहाँ पे हम लोगों को सब कुछ मिला है। देन फिर ये हमारा सिंक एरिया है, यहाँ पे कुछ कुछ क्रॉकरीज, लाइक मोस्ट ऑफ द क्रॉकरीज यहीं की हैं, कुछ कुछ हम लोगों की हैं। देन फिर यहाँ पे हमारा फ्रिज है, फ्रिज में भी हम लोगों ने कुछ कुछ सामान स्टोर करके रखा है, जैसे कि ये चॉप्ड टमाटोज के और छोले, लाइक चिक पीज के हम लोगों को बॉक्स ये मिल गए थे कंटेनर्स, तो लाइक दे आर इजी टू मेक, तो उतना ज़्यादा झंझट नहीं होता है। तो ग्रॉसरी का तो ऐसे ऑलमोस्ट हम लोगों को सामान मिला है इधर, एंड देन फिर कुछ कुछ सामान हम लोगों ने यहाँ पे स्टोर करके रख दिया ताकि थोड़ा किचन एरिया किचन जैसा लगे। यहाँ पे हम लोगों ने अपना सामान स्टोर करके रख दिया है, सॉल्ट, राइस और मैगी वैगी सब यहाँ पे। देन ये हम लोगों का डाइनिंग एरिया है, यहाँ पे हम लोग अपना ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर वगैरह सब कुछ कर लेते हैं। तो ये था मेरा किचन एरिया, एंड अभी बस हम लोगों का डिनर ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है और अभी हम डिनर करेंगे यहाँ पे बैठ के। एक्चुअली मेरे जो फ्लैटमेट्स हैं वो यहाँ पे आना नहीं चाहते हैं वीडियो में, तो बट आई विल ट्राई टू कैच देम, ठीक है, डिनर के टाइम पे। पक्का पक्का तो नहीं, बट आई विल ट्राई कि उनको मैं अपनी वीडियो में ला सकूँ, एटलीस्ट मैं उनको इंट्रोड्यूस कर सकूँ, क्योंकि जैसे व्लॉग्स मेरे लिए नहीं हुए हैं, उनके लिए कैमरा नहीं हुआ है, तो एंड इट इज़ देयर विश। सो गाइज, अभी हो रहे हैं 11:15 नाइट के, और अभी मेरा जो ऑनलाइन असेसमेंट वगैरह का काम था अभी जाके ख़त्म हुआ है, और अभी मुझे आ रही है नींद बहुत तेज़, और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर ठंड भी होने स्टार्ट हो गई है अब, तो अभी नाइट के टाइम पे थोड़ी और ज़्यादा ठंड है, और मेरा रूम हीटर भी काम नहीं कर रहा है, तो मैंने चेंज करके थोड़ा कम्फर्टेबल अपना स्वेटशर्ट वगैरह पहन लिया है ताकि अच्छे से मैं कम्फर्टेबली सो पाऊँ। और अभी कल फिर से वही 6 to 7 कुछ करीब उठना पड़ेगा, क्योंकि फिर से वही ट्रेनिंग सेशंस वगैरह हैं, एंड फिर से वही एक्टिक डे, और ऐसे ही बस हम लोगों का क्वारंटीन डे स्पेंड हो जाता है, पता भी नहीं लगता कि कहाँ गया पूरा दिन। सो दिस इज़ हाउ आई स्पेंड माई डे, माई क्वारंटीन डे इन माई अकोमोडेशन, एंड येप आई होप दैट यू गाइज लाइक दिस वीडियो। थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी का इसलिए अभी इशू हो रखा है क्योंकि यहाँ पर थोड़ा लाइटिंग इशू है। दिन में आपको जो लाइक आफ्टरनून या इवनिंग वाली जो वीडियो थी वो थोड़ा आई थिंक क्लियर था क्योंकि बाहर की लाइट में यूज़ कर रही थी, नेचुरल लाइट, और अभी नाइट में तो जो यहाँ पे मुझे लाइट मिली हुई है ना ऊपर, वो थोड़ी येलोइश है, तो इसीलिए थोड़ा वीडियो क्वालिटी इतना अच्छा नहीं आ रहा है, बट मैनेज कर लेना आप लोग। बस इतना ही था आज के लिए, आई होप दैट यू गाइज लाइक दिस वीडियो, एंड इफ़ यू डू प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कॉमेंट, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना यार, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करो यार चैनल को। प्लीज़ लेट मी नो कि आपको मेरे ब्लॉग्स कैसे लग रहे हैं इन द कॉमेंट्स, सो दैट मुझे और मोटिवेशन मिले और मैं थोड़ा इम्प्रूव भी कर पाऊँ कि मुझे कहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। सो यप, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।